नमस्कार, जुड़े हुए तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हिट्स ऑफ बॉलीवुड पार्ट 11 आपके सामने 11वां भाग लेके हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। ठीक आज से 10 दिन पहले हमने पार्ट 10th जो है 10वां भाग आपके सामने पेश किया था, जिससे आप सबने बहुत प्यार दिया। और एक बार फिर हम लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ VP म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये बेहतरीन इवेंट लेके आज आपके सामने फिर से जुड़े हैं। आज कुछ अलग कलाकार आपके सामने आएंगे और एक से बढ़कर एक गाने सुनाएंगे। चलिए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। पहली पायदान पर हमारे गायक कलाकार मनोज मोरे जी आ रहे हैं फिल्म मुक्ति से एक बेहतरीन गीत लेके, जिसे गाया है मुकेश जी ने। संगीतकार हैं RD बर्मन साहब और गीतकार हैं आनंद बख्शी। तो आइए मनोज जी से ये बेहतरीन सा गाना सुनते हैं। जोरदार कमेंट्स के जरिए इनका स्वागत करिए। हमें सोने नहीं देती सुहानी।
थैंक यू थैंक यू। वाह, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आज मनोज मोरे जी ने शाम की कर दी है। चांद की बात चली तो अगली पायदान पर एक और गाना जिसमें चांद का जिक्र है, क्यों ना हो। फिल्म है ये है मुंबई मेरी जान, संगीतकार है जतिन ललित और गीतकार है इंदिवर। इसे गाया है कुमार सानू जी ने। आपके सामने पेश करने के लिए आ रहे हैं हमारी एकेडमी के बहुत ही पुराने मेंबर जो कि शुरू के दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे शोज़ इन्होंने किए हैं, बहुत अच्छा नाम है इनका पुणे में। तो आइए शशांक जी को दावत देता हूं और आपसे सुनते हैं ये बेहतरीन सा गाना। जोरदार लाइक्स और कमेंट्स के जरिए शशांक जी का स्वागत कीजिए। अभी लबों को लबों ने छुआ नहीं,
अभी आस का गुलशन खिलना है, अभी तो जिस्मों को मिलना है, देखूंगा भी मैं वो मंजर, देखूंगा भी वो मैं मंजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, आया है नजर, आया है नजर। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शशांक जी आपने ये गाना पेश किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए दोस्तों, अगली पायदान पर फिल्म अभिमान से एक बड़ा ही बेहतरीन गाना आपके सामने पेश करने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ। ये भी बड़ी ही सीनियर सदस्य हैं हमारी एकेडमी की, वर्षा तिड़क जी। आइए इनसे सुनते हैं फिल्म अभिमान का ये गाना, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी जी ने, एसटी बर्मन साहब का संगीत है और लता जी की बेहतरीन आवाज़। आइए सुनते हैं, ज़ोरदार स्वागत करें वर्षा जी का। Thank you.
पिया बिना पिया बिना बसिया बाजना 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 पिया बिना पिया बिना पिया बिना क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति दी यहाँ पर वर्षा जी ने। एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट की जब भी बात चलती है तो उसमें बांसुरी का जिक्र ज़रूर होता है, और सचिन वाघमारे साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे बांसुरी की झलक दिखाई है। तो एक बार हमारे म्यूजिशियंस के लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार आशीर्वाद के लिए। चलिए अगली पायदान पर फिल्म हिमालय की गोद से एक गाना आपके सामने पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ दिलीप डुमरे सर को। ये भी पिछले 2.5 सालों से एकेडमी से जुड़े हुए हैं, संगीतकार हैं फिल्म के कल्याण जी आनंद जी, और गीतकार हैं आनंद बख्शी, और गायक हैं मुकेश जी। तो आइए दिलीप सर से ये गाना सुनते हैं। महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति दी दिलीप सर आपने यहाँ पर। चलिए अगली पादन पर एक और दिलीप, यहाँ पे हमारे एकेडमी के ही दूसरे सदस्य दिलीप शेंडे साहब को मैं दावत दे रहा हूँ। यूँ तो यू एकेडमी के ये मेंबर नहीं है लेकिन हमारे फैमिली मेंबर ज़रूर हैं, एक बड़े भाई के नाते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो दिलीप शेंडे साहब का ये पहला परफॉर्मेंस है जो कि वो लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ गा रहे हैं। अब तक उन्होंने कभी मंच पे प्रस्तुति नहीं दी है, ये उनके लाइफ का पहला या दूसरा शो बोल सकते हैं और विथ लाइव बैंड ये पहला शो है। तो फिल्म गाइड से बड़ा ही बेहतरीन रोमांटिक नगमा रफ़ी साहब का आपके सामने लेके आ रहे हैं दिलीप शेंडे साहब। तो आइए ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें, इनके लिए ढेर सारे कमेंट्स करते रहें, आइए सुनते हैं। सपने अब एक रंगे हो जाए जाए रहे हम संग है हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हो जाए जाए रहे एक दिन मिला जैसे वहराने पर तेरे फूल का खिलना मेरे तेरे दिल का था एक दिन मिला जैसे वहराने पर तेरे फूल का खिलना सपने अब एक रंग है हो जा भी ले जाए भाई हम संग है अब तेरे तेरे ये दो नैना चांद सूरज मेरे तेरे दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे तेरे ये दो नैना चांद सूरज मेरे ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है हो जा भी ले जाए रहे हम संग हैं ओ तेरे मेरे सपने अब बड़ा ही रोमांटिक अंदाज यहाँ पर दिलीप शेंडे साहब ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगली पायदान पर एक और गायिका जो कि हमारे एकेडमी से पिछले एक साल से जुड़ी हुई हैं, केतकी काले जी, आइए इनसे सुनते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का टाइटल सॉन्ग जिसे संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने और गाया है आशा जी ने। तो आइए केतकी जी का ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें और कमेंट्स करते रहें उनके लिए प्यारे प्यारे। ये रोमांटिक गाना लेके आपके सामने केतकी जी हाजिर हैं। सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम
केतकी जी वाह, बहुत बहुत ही बखूबी आपने इसे प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए दोस्तों, अगली पायदान पर इसी कॉम्बिनेशन को बनाए रखते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब आशा विद आर डी बर्मन। तो आइए, ये बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन है जो कि 70 के दशक में बहुत सर चढ़ के बोले लोगों के। तो इस कॉम्बिनेशन का एक और गीत फिल्म है जीवन साथी। जीवन साथी फिल्म 1972 में आई थी। इस फिल्म में आर डी बर्मन साहब का ही संगीत था। गीतकार है मजरूर सुल्तानपुरी और गाया है इसे आशा जी ने। अगली पैदन पर जो कलाकार आपके सामने आने जा रही हैं, हमारी एकेडमी की बहुत पुरानी मेंबर्स हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जब वीपी म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस या वीपी म्यूज़िक एकेडमी की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले से ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करीब पिछले 4 सालों से ये एकेडमी के सदस्य हैं, राजश्री दासानी जी। आइए उनसे सुनते हैं ये बेहतरीन सा गाना। देखो सीने
बहुत ही बेहतरीन। हमारे स्पेशली म्यूजिशियंस के लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि जब आर डी बर्मन के गानों की बात आती है तो हैवी ऑर्केस्ट्रेशन की बात आती है, और आज के म्यूजिशियंस आप देख रहे हैं सिर्फ हमारे शो में 4 म्यूजिशियंस हैं, और क्या कमाल की प्लेइंग है इनकी, वाह। ज़ोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सभी म्यूजिशियंस के लिए। दोस्तों, अगली पायदान पर फिल्म तेरे घर के सामने से गाना लेके आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं अतुल गौरीधर जी, जो कि पिछले एक साल से एकेडमी से जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया है, हसरत जयपुरी जी ने इसे लिखा है, और एच डी बर्मन साहब का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन सरगमा अतुल जी से। तू कहाँ, तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में। माने ना मेरा दिल दीवाना, हरे माने ना मेरा दिल दीवाना, हो तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में। माने ना मेरा दिल दीवाना, हरे हरे माने ना मेरा दिल दीवाना। है समा बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जाना जला। तू कहाँ, तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में। माने ना मेरा दिल दीवाना, हरे माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ आई जब ठंडी हवा, आई जब ठंडी हवा, मैंने पूछा जो पता, वो भी कतरा के गई और बेचैन किया, प्यार से तू मुझे दे सदा। तू कहाँ, तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में। माने ना मेरा दिल दीवाना, हरे हरे माने ना मेरा दिल दीवाना। बहुत खूब अतुल जी, बहुत बखूबी आपने इसे गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली पायदान पर दोस्तों फिल्म गाइड का ही एक नगमा आपके सामने पेश करते हैं, जिसे गाया है लता जी ने, गीतकार हैं शैलेंद्र और सचिन देव बर्मन, एच डी बर्मन साहब का संगीत है। तो चलिए प्रार्थना से सुनते हैं ये गाना। प्रार्थना हमारी अकेडमी की बहुत पुरानी सदस्य है, काफ़ी करीब मुझे लगता है 4 सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है, जब अकेडमी बनी नहीं थी या अकेडमी बनाने की प्लानिंग नहीं थी तब से ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छा गाती है। आप सब इसका गाना सुने, उसके बाद इसे ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं दें। चलिए सुनते हैं।
बहुत को बहुत ही बढ़िया प्रार्थना, तुमने बहुत अच्छा गाया बेटा, और सभी म्यूजिशियंस ने भी कमाल की, वैसे ही हमेशा की तरह उनकी प्लेइंग रही। बहुत बहुत बधाइयाँ और तालियां हमारी पूरी टीम के लिए। चलिए दोस्तों, अगली पायदान पर फिल्म हमराज का एक गाना आपके सामने पेश करने के लिए मैं एक बार फिर से दावत देना चाहूँगा दिलीप शेंडे सर को। इसके गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार बड़े ही फेवरेट मेरे रवि साहब का संगीत है, और महेंद्र कपूर साहब की दमदार आवाज़ में फिल्म हमराज का गाना सुनने के लिए हम तैयार हैं। गाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं दिलीप शेंडे साहब। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बलखाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, हे धरती का प्यार पले। चलिए दोस्तों, अगली पायदान पर एक और कलाकार को मैं दावत देना चाहता हूँ। पिछले 2 सालों से क्लास से जुड़ी हुई हैं, नाम है इनका खुशी जादो। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी हमारी बिटिया रानी है, और आपके सामने बहुत ही प्यारा गाना ये पेश करने जा रही है। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम, उस फिल्म में एक इंडो वेस्टर्न कॉम्बिनेशन का गाना है जिसे लता जी ने बड़े ही बखूबी गाया है। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हैं आनंद बख्शी। तो आइए सुनते हैं खुशी से ये बेहतरीन सा गाना।
बहुत खूब, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ गए, बहुत ही बेहतरीन गाया तुमने खुशी बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। चलिए अगले पायदान पर दोस्तों, फिल्म अनजाना का एक गाना आपके सामने पेश करने आ रहे हैं, वही कलाकार जिन्होंने इस महफिल की शुरुआत की थी, मनोज मोरे जी, और इस बार उनके साथ जुड़ रही हैं प्रार्थना चोरगे। तो आइए फिल्म अनजाना का ये गाना आपके सामने पेश करने के लिए दोनों तैयार हैं कलाकार। इस गाने के गीतकार हैं आनंद बख्शी साहब और संगीतकार मेरे फेवरेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रफ़ी साहब और लता जी की बेहतरीन आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये गाना। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय, भीगी भीगी रातों में, रिमझिम के गीत सावन गाए हाय, भीगी भीगी रातों में, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से, चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप दोनों ने इस गाने को प्रस्तुत किया है, स्पेशली मनोज भाई को हम थैंक्स कहना चाहेंगे। मनोज भाई ने आज पहली बार विद लाइव ऑर्केस्ट्रा गाया है और बड़ा ही बेहतरीन गा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मनोज जी। चलिए दोस्तों अगली पायदान पर फिल्म तीसरी कसम की तरफ आपको लिए चलते हैं। शंकर जयकिशन साहब का संगीत है, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और मुकेश जी की आवाज़ में बड़ा ही बेहतरीन गाना जो इंसान को भगवान के करीब लेके जाता है और भगवान को इंसान के करीब लेके आता है। गाने के बोल आप सुनिए, आपको ये गाना बहुत पसंद है मुझे पता है, इस सभी के जबान पर यह गाना है। गाने के बोल शशांक जी आपको सुनाएंगे, आइए सुनते हैं शशांक जी से ये गाना।
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ये उजले काहे बनाया तूने दुनिया का ठेला, काहे बनाया तूने दुनिया का ठेला। जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शशांक जी ने यह गाना आप तक पहुंचाया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं शशांक जी। चलिए दोस्तों अगली पायदान पर फिल्म दो रास्ते की तरफ आपको लिए चलते हैं। संगीतकार एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रफ़ी साहब की बेहतरीन रोमांटिक आवाज़ प्रदीप राजेश खन्ना साहब और आपके सामने अभी उपस्थित होने जा रहे हैं दिलीप शिंदे साहब। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन सा रोमांटिक गाना। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
रुक जाएगी जो ये हाके शर्म से झुक जाएगी सारी बातें यही बस रुक जाएगी चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना किने देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी पादान पर एक डुएट आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हैं हम फिल्म है एक फूल दो माली संगीतकार रवि और गीतकार प्रेम धवन रफी साहब और आशा जी के द्वारा गाया हुआ एक ये चुलबुला सा गाना आपके सामने पेश करने के लिए आ रहे हैं अतुल गौरीधर जी और उनका साथ निभाएंगी राजेश्वरी दासानी जी आइए सुनते हैं ये बेहतरीन सा चुलबुला गाना ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं ये पर्दा हटा दो एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली बचना ऐ दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली ये बिजली गिरे तो तुम ही पे गिरेगी जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं अरे हो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं ये पर्दा हटा दो
समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। चलिए दोस्तों, अगली पायदान पर फिल्म इम्तिहान से एक गाना सुनते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत इस फिल्म में। मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार हैं और इसे गाया है लता जी ने। आइए वर्षा तिलक जी से सुनते हैं ये बेहतरीन सा क्रोमेटिक नोट का गाना।
चलिए दोस्तों अगली पादान पर फिल्म मेरे हम सफ़र का टाइटल सॉन्ग सुनते हैं। वर्षा जी यहाँ पर मंच पर बनी हुई हैं, उनके साथ जुड़ेंगे दिलीप डुमरे सर, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, मुकेश जी के साथ लता जी की बेहतरीन आवाज़। और आइए सुनते हैं वर्षा जी और दिलीप जी से ये बेहतरीन सा रोमांटिक गाना। दोस्तों अगली पायदान पर एक अलग गाना आपके सामने पेश करें। इस महफिल में ज़्यादातर पुराने गाने हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो कि कुछ 90 और 2000 के आसपास के दशक के हैं। तो फिल्म रोजा का इसमें जिक्र होना ज़रूरी है। एआर रहमान साहब का संगीत है, बड़ा ही बेहतरीन सा गाना है जो सबके दिलों पर हमेशा राज करता है। तो आइए केतकी जी से हम सुनते हैं ये बेहतरीन सा गाना। Thank you.
दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा बात चली है दोस्तों तो एक फिल्म आई थी 1994 में जिसका नाम था अंजाम। अंजाम फिल्म में संगीतकार थे आनंद मिलिंद और गीतकार समीर। इस गीत को गाया था पूर्णिमा जी ने, एक डांसिंग नंबर है, बड़ा ही बेहतरीन इंडियन बेस गाना है। तो आइए राजेश्री दासानी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गाना आपके सामने पेश करें फिल्म अंजाम से।
1994 से डायरेक्ट आपको लिए चलते हैं पीछे 1959 की तरफ। फिल्म थी उजाला। उजाला में संगीतकार थे शंकर जयकिशन और गीतकार थे हसरत जयपुरी। एक बड़ा ही धमाकेदार गाना है, पर्दे पर शमी कपूर साहब हैं और गाया इसे लता जी ने और मन्ना डे साहब ने। तो आइए दासानी जी से गुजारिश करेंगे, वो मंच पर बनी रहें और उनके साथ जुड़ने आ रहे हैं अतुल गौरीधर जी। मौसम मस्त महीना कांसी गोरी एक हसीना आँख में काजल मुँह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई। चलिए दोस्तों, इस धमाकेदार गीत के बाद अगली पायदान पर एक बार फिर से हम फिल्म गाइड की तरफ रुख करते हैं। लता जी के द्वारा गाया हुआ एक क्लासिकल बेस्ड गाना आपके सामने पेश करने के लिए मैं प्रार्थना को मंच पर बुलाना चाहता हूं। आइए सीधे सुनते हैं इस बेहतरीन से गीत को।
जब चांद चमकी दल लुटी तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमकी दल लुटी तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। गाइड फिल्म के इस क्लासिक गीत के बाद चलिए अगली पायदान पर एक और थोड़ा सा धमाकेदार गाना सुनते हैं। फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त, 1968 की ये फिल्म है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। रफ़ी साहब के द्वारा गाया हुआ ये बेहतरीन सा गाना आपके सामने लेके पेश हो रहे हैं दिलीप शेंडे साहब। आइए सुनते हैं। झलकाए जा आई आपकी आँखों की ना होठों की ना, झलकाए जा आई आपकी आँखों की ना होठों की ना, आँखों की ना होठों की ना। फूल जैसे तल पे जल में ही रंग बूके लचकाए शाखे बदन महकाए जुल्फों की शान, झलकाए जा आए आपकी हाथों की ना होठों की ना। अजनबी कोई नहीं ये है आपकी महफिल तमाम, झलकाए जा आए आपकी हाथों की ना होठों की ना आँखों की ना। थैंक यू।
चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको 1990 के दशक में हम लिए चलते हैं। फिल्म रोजा से आपने एक गाना सुना था जिसे आपके सामने केतकी जी ने गाया था, लेकिन इस बार मैं विवेक पांडे और मेरे साथ खुशी जाधव जुड़ रहे हैं एक डुएट लेके आपके सामने। आइए इस बेहतरीन गाने को तुरंत आपके सामने हम पेश करते हैं। हुस्न की बिजलियाँ तेरे गालों पे है, जुल्फ की बदलियाँ तेरे दामन की खुशबू से मैं के जमा, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन। वादियाँ ये खुला आसमां बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजने। जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल के छाओ के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई। तेरी पलकों की छाओ के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आगे हम कहाँ है मेरी साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां जाने जा। बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। मेरी शानी शा, मैं तेरी चांदनी।
हंसी वादियाँ खुदा आ गए हम कहाँ मेरी साजना ये हंसी वादियाँ खुदा आ गए हम कहाँ बहुत अच्छा खुशी ने बहुत ही अच्छा गाया है। खुशी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और मैंने भी ठीक ठाक गा लिया एक्चुअली। इस गाने को खुशी के साथ गाने के लिए पहले आर्यन से बात हुई थी, लेकिन आर्यन के एग्ज़ाम्स की वजह से आर्यन यहाँ नहीं आ सका इस शो में, तो इस वजह से इस गाने को मैंने फाइनली गाया और खुशी ने मुझे ये गाना तैयार कराया। तो खुशी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और चलिए दोस्तों, अगली पायदान पर फिल्म चिच्चोर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। संगीतकार हैं रविंद्र जैन और इसे गाया है यशोदास साहब ने। तो आपके सामने शशांक जी आपके सामने उपस्थित हैं इस गाने को लेकर, आइए सुनते हैं। जिस पहले आज से जाता आज से पहले आज से जाता खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले ये मेरे दिल की दुआ है।
नाच रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है, हो इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। चलिए दोस्तों अगली पायदान पर 1970 के दशक में हम आपको लिए चलते हैं, फिल्म है दस्तक। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी लता जी के साथ संगीतकार मदन मोहन साहब ने भी एक मुखड़ा और अंतरा इस गाने का गाया है। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ इस गाने को गाने की, मेरे साथ वर्षा जी जुड़ रही हैं। बड़े बड़े कलाकारों के लिए छोटी सी बात है, लेकिन मेरे से छोटे कलाकार के लिए बहुत मुश्किल है। मदन मोहन साहब ने जिस दर्द जिस भाव से इसे कंपोज किया है और जिसे गाया है इसे, वो बड़ा ही मुश्किल है। मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश किया इस गाने को गाने का, और वर्षा जी की रिक्वेस्ट थी कि इस गाने को मैं भी गाऊं, तो उनके लिए मैं इसमें भाग ले रहा हूं इस गाने को लेकर। तो गुस्ताखी पहले ही माफ़ी चाहूंगा, कुछ गलतियां हो जाए तो। आइए आपके सामने पेश करते हैं। मायरी मैं कैसे कहूं पे अपने जिया के, मायरी मैं कैसे कहूं पे अपने जिया के, मायरी पीके डगर में बैठे मैला हुआरी मेरा चरा, मुखड़ा है पीका पीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा, पी के डगर में बैठे मैला हुआरी मेरा चरा, लट में पड़े कैसे विरह के मागे, मायरी मायरी मैं कैसे कहूँ पे अपने जिया के, मायरी मायरी मैं कैसे कहूँ पे
बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और कमेंट्स के लिए। चलिए दोस्तों, अगली पायदान पर सर्दी का मौसम है और सभी जगह पर पूरे भारत में इस समय कश्मीर जैसा ही माहौल है, तो क्यों ना हम कश्मीर की कली की तरफ चलते हैं। कश्मीर की कली फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, और क्या कमाल का अभिनय था शम्मी कपूर साहब का, और रफ़ी साहब ने प्लेबैक में भी क्या कमाल दिखाया था। तो आइए मनोज जी से गुजारिश करूँगा, फिल्म कश्मीर की कली का एक बहुत ही तड़कता भड़कता गाना आपके सामने पेश करें, आइए सुनते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये दिल नीले आँखें, कोई राज इनमें गहरा। तारीफ करो क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये दिल नीले आँखें, कोई राज इनमें गहरा। तारीफ करो क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चल तेरे चल कुछ ऐसे पला का जादू, सौ बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दोस्तों फिल्म असली नकली की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। हसरत जयपुरी गीतकार हैं, रफ़ी साहब की बेहतरीन आवाज़ और शंकर जयकिशन साहब का संगीत। आइए दिलीप शिंदे साहब से सुनते हैं इस बेहतरीन से गाने को, ये भी एक धमाकेदार गाना है, आइए सुनते हैं। प्यार का साल भी दिल
भी है, छेड़ा मेरे दिल ने तरहना तेरे प्यार का, छेड़ा मेरे दिल ने तरहना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तरहना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तरहना तेरे प्यार का। फसाना तेरे प्यार का मिला मेरे गीत में, फसाना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तरहना तेरे प्यार का। शगुफा है बाहर का, हाय तेरा नाम भी शगुफा है बाहर का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ मेरे दिल ले तरहना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ मेरे तेरे प्यार का। दिसंबर महीना बड़े ही लेजेंडरी लोगों के जन्मदिन के साथ आता है। इसी महीने में धर्मेंद्र साहब का जन्मदिन हुआ है, तो आइए दोस्तों धर्मेंद्र साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद सभी दर्शकों की तरफ से देते हैं, उनके जितने चाहने वाले फैंस हैं सबकी शुभकामनाओं के साथ। फिल्म धर्मवीर का एक धमाकेदार गाना आपके सामने पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा अतुल गौरीधर जी से कि वो आएं और इस बेहतरीन गाने को आपके सामने पेश करें। दोस्तों आज की शाम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रही होगी, आशा करते हैं सर। और आज जितने भी गाने आपने सुने उन सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए आज की महफिल का आखिरी गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। जल्दी ही किसी बेहतरीन शो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आइए फिलहाल ये गाना सुनते हैं। Thank you.
मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा तौबा तौबा फिर क्या होगा याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या धमाकेदार गीत के साथ आज की ये महफिल यहीं समाप्त करते हैं अगले किसी हसीन पल के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा गुड नाइट शुभ रात्रि शुभ खैर जय हिंद जय महाराष्ट्र